फर्स्ट ड्राइव किड्स वेयर धमाका सेल ऑफर अप टू 40-60% डिस्काउंट के साथ स्पेशलिस्ट इन किड्स वेयर फैंसी बाबा सूट चूड़ीदार वेस्टर्न आउटफिट होस्टरी आइटम्स और भी बहुत कुछ फर्स्ट चॉइस 9 साल से है आपकी चॉइस वैरायटी की भरमार अच्छी क्वालिटी कम दाम आज ही आए फर्स्ट चॉइस किड्स वेयर मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा बाईपास से सटे अंबेडकर पाड़ा में मस्जिद के नाम पर चंदा वसूलने और मस्जिद के लाइट के मीटर से बिजली बेचने और पानी बेचने का आरोप ट्रस्टियों पर लग रहा है। बेहद ही दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि मस्जिद के नाम पर ये सब खेल खेला जा रहा है जो स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं और ये विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों में इसके लिए काफ़ी गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। जिस वक्त अंबेडकर पाड़ा में इस मस्जिद की तामीर हुई थी वहाँ बोरिंग करवाने पर फॉरेस्ट विभाग ने कार्रवाई भी की थी। कई सालों से मस्जिद पतरे की ही बनी हुई है मगर ट्रस्टियों पर मस्जिद का फोटो दिखाकर चंदा वसूलने का आरोप लग रहा है। हमने इसके पहले भी आपको इस मस्जिद के बारे में खबर बताई थी। उस वक्त ट्रस्टियों से संपर्क नहीं हो पाया था मगर अब ट्रस्टियों ने भी अपना पक्ष रखा है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। हालांकि मस्जिद का रजिस्ट्रेशन भी इन्होंने करवाने की बात बताई है मगर स्थानीय लोगों के बिना राय मशवरा के चुपचाप इन लोगों ने 7 लोगों की कमेटी बनाकर खुद ही ट्रस्ट बना डाली। मस्जिद का पानी 200 रुपया महीना बेचने का आरोप इन पर लग रहा है और बिजली भी बेचने का आरोप लग रहा है। स्थानीय लोग ट्रस्ट पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं पानी बेचने का और फोटो दिखाकर मस्जिद के नाम पर चंदा वसूली करने का। ट्रस्ट के जो कमेटी मेंबर हैं ट्रस्टी निसार अली बाबू शाह का कहना है कि ये फॉरेस्ट विभाग की ज़मीन है अगर मस्जिद पक्का बनवाएंगे तो कार्रवाई हो जाएगी मगर इन जनाब पर फोटो दिखाकर मस्जिद का चंदा वसूलने का आरोप भी लग रहा है। हालांकि ये इस बात से इनकार भी कर रहे हैं मगर मस्जिद अभी तक जो बनी है वो सिर्फ पतरे की ही बनी हुई है और इन्होंने इसका रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है। इन तमाम गोलमोल हरकतों की वजह से जो है स्थानीय लोगों में इंट्रस्टियों पर काफ़ी गुस्सा है। आज फिर मस्जिद के चंदे और पानी बेचने को लेकर अंबेडकर पाड़ा में हंगामा हुआ। इसी दौरान एक मदरसे का भी मामला सामने आया जिसे बंद कर दिया गया और मदरसा बेचने का आरोप लग रहा है। हालांकि जिस पर यह आरोप लग रहा है मदरसा बेचने का उसने इन बातों से इनकार किया है मगर ये तमाम बातें सुनकर बड़ी ही हैरानी होती है और बताते हुए भी काफ़ी तकलीफ होती है कि मस्जिद और मदरसे के नाम पर आखिर ये क्या हो रहा है। शाहिद सुरती और हुसैन ने ट्रस्ट पर आरोप लगाया है। पहले सुनाते हैं कि क्या इन्होंने आरोप लगाया उसके बाद आपको सुनाएंगे कि ट्रस्टी सवालों में किस तरह से उलझ गए। शाहिद भाई आप लोग किस तरह से इन पर आरोप लगा रहे थे चंदा वसूलने का और मस्जिद का रजिस्ट्रेशन को लेकर तो उनका कहना है कि वो तो रजिस्टर कराए आप लोगों ने क्या रजिस्ट्रेशन मस्जिद का करवाया था? नहीं ऐसा है कि मोहल्ले के लोग सब मिल के ये जगह पकड़े यहाँ पे बोले नमाज पढ़ने के लिए मोहल्ले में मस्जिद यहाँ आज आबादी बस गई है तो हम सब मिलके यहाँ मस्जिद बनाए। तभी गाय समुंदर साहब यहाँ थे और कुछ लोग थे जो यहाँ नमाज पढ़ते थे हम लोगों ने मिलके सभी लोगों ने मिलके मस्जिद बनाया। शमशाद भाई ने एक दिन आए बोले मस्जिद में कुछ पैसा लगाना ताउन के हिसाब से क्योंकि मस्जिद है यहाँ कोई भी आके ताउन कर सकता है तो ताउन के हिसाब से उन्होंने पैसा लगाया और पैसे लगाने का जो कोई यहाँ रहते नहीं है और मस्जिद के नाम पे बोरिंग के नाम पे 500-500 रुपया लोगों से जमा किया गया। यहाँ के हर लोग यहाँ खड़े लोग हमारी माँ बहन सबके नाम से 500-500 रुपया जमा करके जिसका हिसाब नहीं है और इनका मैं दिया लो पैसा और जो पैसा इन लोग ने बम्बई से लेके आए थे बोरिंग मारने के लिए उस पैसा जो बोरिंग मारी गई बोरिंग पूरी हुई नहीं आधी बोरिंग में फॉरेस्ट ने रोक दिया गया था। शादाब नाम का आदमी है जो बीजेपी का कार्यकर्ता था शिवसेना में वो आदमी ने पूरा पैसा इनको रिटर्न दिया है
बोरिंग का, क्योंकि इनने उनसे लड़े, हम सब मिलके लड़े कि बोरिंग पूरी नहीं हुई, ये चंदे पे पैसा आएगा, ये बोरिंग पूरी नहीं, इसको मुकम्मल कराना है, तो ये पैसा वापिस चाहिए, जिस आदमी ने पैसा दिया उसको पैसा वापिस चाहिए, तो इन लोग ने पैसा वापिस दिए, वो पैसे का भी हिसाब नहीं। और जब मस्जिद के लिए बोरिंग मारी गई, मोहल्ले के लिए बोरिंग मारी गई, तो ये बोरिंग का नल ये अपने घर में लेके जाके वहाँ से 200-200 रुपये में दिया जा रहा है। जब हम लोग मोहल्ले के लोग आके ये मस्जिद में पूछ रहे हैं, हम मोहल्ले के लोग, हमारा हक नहीं है मस्जिद में आके ये पूछा जाए कि तुम मस्जिद के नाम पे पानी बेच रहे, लाइट बेच रहे, जो पैसा जमा कर रहे इसका हिसाब का है? हमें ट्रस्ट से कोई नहीं, पर ये लोग जो गलत काम कर रहे मोहल्ले के लोग, इमाम साहब आके हमारे को बोल रहे कि आज मेरे को कितने दिन से पगार नहीं मिल रही, आप इस चीज़ इमाम साहब से पूछ सकते हैं। इसलिए हमने आगे कदम बढ़ाते हुए मस्जिद का चंदा हमारे हाथ में लिए, हिसाब किताब हमारे हाथ में लिए, इमाम साहब को आज पगार हम लोग दे रहे थे, इतने दिन से लोग दे रहे थे, पर उसमें भी घपला चालू था उसके अंदर। हुसैन भाई, ये जो मदरसे का इल्जाम है, आपने चलता हुआ मदरसा बंद करवा दिया, जी हाँ जी हाँ, पहले उस पर क्या बोले? उस पर क्या, अभी लॉकडाउन का पीरियड था, उस वजह से वो 8 महीना बंद हो गया था। अच्छा, तो अभी आपने उसको किसी और को भेज दिया है, मदरसा वहाँ कायम नहीं रखा है? ऐसा कुछ नहीं, अभी जब चालू होगा, मतलब अभी लॉकडाउन का पीरियड था, इस वजह से वो बंद पड़ा हुआ, आप भी आप चल के देख सकते हैं उसके अंदर क्या है। अच्छा, यानी आप बेचा नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल बेचा, चालू तो करना है मदरसा है वो। ये जो अभी आप सुन रहे थे, निसार भाई ने इल्जाम लगाया, आप रजिस्टर ले गए, चंदे के पैसे उठा, रजिस्टर लेके गए, खाता मेरे नाम पे खोलता हूँ, ऐसा बोल रहे, क्या कहना है इस पर आपका? ऐसा कुछ नहीं, जुम्मा का दिन था, मस्जिद के अंदर ये बात हुई थी, जब हम लोग ने पूरा इनसे हिसाब किताब पूछे, तो हिसाब किताब में इनका हमारे को समझ में नहीं आ रहा था कि 4 साल का हिसाब किताब, हम तो अभी सिर्फ 3-4 महीना हुआ है मस्जिद को अपने हाथ में लेके इमाम साहब को पगार दे रहे। अच्छा, तो ये हिसाब किताब में इनके पूरा गड़बड़ है। अच्छा, वो रजिस्टर देख के भी आप लोग भी देखे तो आप भी खुद समझ सकते। अच्छा, क्योंकि हमने 4 महीने में जो हम लोग सोचे जुम्मा का चंदा आता है, तो 4 साल के अंदर कितना आया होगा? अच्छा अच्छा, ये शाहिद एक बात बताओ, आपने बताया कि बोरिंग का पानी अपने घर पर लाइन ले जाके वहाँ पे 200 रुपए में बेचा जा रहा है जी, मस्जिद के मीटर से जो है लाइट के कनेक्शन दूसरों को देकर के बेचे जा रहे हैं, तो ये कौन कर रहा है? ये इसमें इसरार नाम का व्यक्ति है जो लाइट का काम संभालता है, अभी था इधर निसार भाई है जो बता रहे मस्जिद के हम ट्रस्टी है करके, उनके घर के अंदर पानी की लाइन है, अभी भी है, लोगों का बोलना है कि वो लाइन यहाँ से खोला जाए, मैं उसके लिए एक अर्जी बनाया हूँ, अभी मोहल्ले की साइन लिया हूँ, इंशाल्लाह वो अर्जी अभी लेके आके देने वाला हूँ, और पुलिस को लेके आके वो लाइन यहाँ खोलने वाला हूँ, क्योंकि मोहल्ले के पैसे से वो बोरिंग मारी गई थी, और आप उसको पर्सनल यूज में लेके उसके पैसे दिए ले जा रहे, और ये भी नहीं बता रहे कितने मेम्बर को आप पानी दे रहे या क्या दे, जब हम इसके बारे में पूछा जा रहा है तो बोले हम कोर्ट में हिसाब देंगे। अब आपको निसार अली बाबा शाह का भी वो बयान सुनाएंगे, जिन पर मस्जिद का फोटो दिखाकर चंदा वसूलना और मस्जिद का पानी 200 रुपये महीने में बेचने का आरोप लग रहा है, और बिजली भी बेचने का आरोप इन पर लग रहा है, इन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। निसार भाई, जो ये आरोप लग रहा है कि आप मस्जिद के चंदे का पैसा जो है लेने का आरोप लग रहा है, मस्जिद का जो लाइट है उसको बेचने का और बोरिंग के पानी बेचने का आरोप आप पर लग रहा है, ये सब हैं आप? ये सब जानबूझकर के मुझे बदनाम किया जा रहा है कि किसी तरीके से इनसे लड़ने झगड़ने का हमको मौका मिल जाए, कुछ लोगों को हमारे खिलाफ भड़काया भी जा रहा है। हाँ, पानी की लाइन है यहाँ से मेरे घर के बाहर है, लेकिन मैं उस बोरिंग से पानी नहीं भरता हूँ बल्कि दूसरी बोरिंग से भरता हूँ जो कि बाईपास से आई हुई है, अपने घर का पानी। लेकिन कुछ लोगों का ये मशवरा था कि मतलब जब लोग बाहर से पानी भर करके 100-200 अगर दे सकते हैं उसको, तो वो पैसा लेकर के आप मस्जिद को क्यों नहीं लगा सकते? तो आप वो मस्जिद के पास भी वो नल रख के आप वो काम कर सकते थे, आपके घर पे ले जाए? मेरे घर से 20-22 लोग पानी भरते हैं, कोई 100 देता है, कोई 50 देता है, वो मस्जिद को ही पैसा आता है। उसका हिसाब आपने मेंटेन किया? मेरे पास 3-4 महीने का हिसाब किताब अभी भी लिखा और रखा है, चाहिए तो मैं आपको डायरी बता देता हूँ। अच्छा, लेकिन मेरा क्या कहना था कि भाई मुझे तौफीक नहीं है, मैं खर्चा करके लेके गया हूँ, तो मैं पहले मेरे पैसे निकाल लो, क्योंकि ये लोग धांधलीबाजी करने लगे तो कम से कम 4 महीने हो गए। कितना पैसा लगाए थे? मैं लगाया था, ये बाउंड्री भी मैंने मारा था अपने पैसे से, यहाँ पानी की बात हो रही है, पानी में 7,000 रुपया खर्चा किया, 7,000 वसूली हुआ है मेरा, लेकिन और भी खर्चा था मेरा जो कि मैंने मस्जिद के ऊपर रखा था कि भाई वक्त आएगा तो वो तो मस्जिद के चंदे में से जाएगा, जो अभी ये लाइन जो आपके घर तक गई है
जो आपका बोलने का जो हमारे कहने का मतलब कि जब वो पैसे आप अपने निकाल रहे हैं कोई तो, तो चार महीने के पहले ही अदा हो गए होंगे। कोई बैलेंस नहीं है हमारे पास मस्जिद में, तो जो भी खर्चा होता था वो मैं अपने पास से ही करता था। वक्त आने पे अगर आ गया मस्जिद में तो अपने पैसे मैं ले भी लेता था। ये सबको पता है, सबको बोल के भी रखा हूँ। अच्छा, अभी मस्जिद कमेटी के लोगों को भी, इनको भी बोल के रखा हूँ, भाई मेरा जो खर्चा किया है पहले दे दो मेरे को, उसके बाद में क्या करने का वो करो, फिर मस्जिद को आएगा। मस्जिद का चार्ज अभी फिलहाल आपके पास है या मेरे पास ही है, लेकिन मेरा रजिस्टर जबरदस्ती उठा के लेके गए। जुम्मा के दिन आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, पैसे लेके चले जाते हैं। ये बताइए, यहाँ के लोग जो है, दूसरा पक्ष जो आरोप लगा रहा है कि आप मस्जिद का फोटो दिखाकर चंदा वसूली करते हैं, क्या वसूली करते हैं आप कितना पैसा वसूली किए? ये मस्जिद भी कुछ बनी नहीं है, जैसा था वैसे की। देखिए, ये फॉरेस्ट की जगह है, बनाने वाले लोग हमको मिले भी और मिलेंगे भी, अल्लाह चाहेगा तो आगे। लेकिन वसूली किया है? नहीं नहीं, वसूली नहीं किया है हमने, लेकिन कुछ लोग बनाने को आए थे, लेकिन हमने उनसे क्या कहा कि ये फॉरेस्ट की जगह है, यहाँ बनाओगे खर्चा करोगे नुकसान हो जाएगा। अभी ये वो जिस पोजीशन में है वैसा रहने दो, नमाज पढ़ रहे लोग आ रहे जा रहे हैं, लेकिन इसको अगर अच्छा बनाने जाएंगे तो गवर्नमेंट की कार्रवाई होगी, टूट जाएगा। तो यार अच्छा नहीं बनेगा, नहीं ऐसे ही रहेगा। बनेगा, लेकिन कहने का मतलब हमारे पास वैसा एरिया होना चाहिए बनाने के लिए। चंदा वसूली किए है ना? हमने कुछ ऐसा नहीं किया है, अगर कुछ इनके पास प्रूफ है तो एक भी प्रूफ लावे मेरे को। और मैंने हुसैन भाई को 2 साल पहले 2 पावतियाँ लेके गए थे इसी मस्जिद से कि मस्जिद के नाम पे हम लोग कुछ चंदा करेंगे, रमजान का महीना है। वो आज तक ना पावती आई है और ना उसका चंदे का पैसा आया है। अब मस्जिद बना नहीं सकते आप, ये भी बोलते तो आप मतलब आपकी बातों में यहाँ कैसा बनाएंगे सर? ये गवर्नमेंट की जगह है, ये गवर्नमेंट की जगह है, इसको अगर हम पक्का बना के खड़ा करेंगे कल वो आके तोड़ देगा तो हमारा नुकसान होगा। कैसा बन गई ट्रस्ट? बन गई ना सर, ट्रस्ट कैसा बन गई? ट्रस्ट बन गई ना, हमने एग्रीमेंट दिया, लाइट बिल दिया, अपना आधार कार्ड पैन कार्ड दिया है, ट्रस्ट बन गई। अगर आप लोग का साथ रहा तो बन भी जाएगा, नहीं अगर हम बना सकते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद में, तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। इमाम साहब की पगार को लेके भी मसला है। इमाम की पगार एक मिनट, इमाम की पगार हमने जब बंद किया, जब लॉकडाउन में मस्जिद बंद हुई उस टाइम पे इमाम साहब की हमने छुट्टी किया। बहरहाल स्थानीय लोगों में इन्हीं सब हरकतों की वजह से काफी नाराजगी देखी जा रही है और इनकी मांग है कि मस्जिद का पैसा मस्जिद के काम में आए, ना कि कोई उस पैसे का गलत इस्तेमाल करे। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।